Hello students, I am Professor Nita Fuchin Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, देखिए आज के इस लेक्चर में क्लास 11 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज यूनिट नंबर 2 जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है पढ़ाना, डिस्क्रिप्शन में 11 क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज की लिंक है, वहाँ पे यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी पढ़ाकर खत्म हो गया है. प्रोज सेक्शन हमारा कवर अप हो चुका है. दिस इज द पोएट्री सेक्शन यूनिट नंबर 2. इसमें हमने पोएम नंबर 2.4 अभी पढ़ रहे हैं एंड इस पोएम का नाम है नोज वर्सेस आईज. सॉरी, पोएम नंबर 2.5 है ये, नोज वर्सेस आईज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 पढ़ा के अपलोड कर दिया गया है विद फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. चलिए आज पढ़ते हैं पोएम नंबर 2.5, नोज वर्सेस आईज, यानी नाक के विरुद्ध आंखों का एक बहस है. कोर्ट में किस तरह से ये चश्मे के लिए लड़ रहे हैं आपस में, ये दिखाई देगा. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल, डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड चलिए शुरुआत कर देते हैं. This is the photo of William Cowper. William Cowper, he is the poet of this poem, Nose versus Eyes. Let's check some introduction about him. That he was one of the most popular 18th century English poets. 18th century ke wo most popular poet the and composer of hymns. His poems deal with nature and everyday life. Nisargata, yani ki nature to hame pata hai ki nisarga aur everyday life, hamari rozmarra ki zindagi se related jo baatein hoti hai, उससे रिलेटेड वो पोएम्स में बातें डिस्क्राइब कर देते थे. ही इज एप्टली डिस्क्राइब बाय सैमुअल टी कॉलरिज एज द बेस्ट मॉडर्न पोएट ऑफ हिज पोएम्स, सॉरी ऑफ हिज टाइम्स. सो सैमुअल टी कॉलरिज, ही वाज आल्सो द वेल नोन पोएट ऑफ दैट टाइम. और उन्होंने इनका जिक्र कैसे किया था, दैट विलियम कॉपर ही इज एन बेस्ट मॉडर्न पोएट ऑफ हिज टाइम्स. दो हालांकि ही स्टडीड ज्यूरिसप्रूडेंस, ही लेटर एडमिटेड दैट ही वाज नॉट मच इंक्लाइन टू द लीगल प्रोफेशन. यानी कि विलियम कॉपर जी का लीगल का अभ्यास हो चुका था, ओके, उन्होंने वो स्टडी किया था, बट ही वाज नॉट मच इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड. ही रोट, हैप्पी इज द वन हु नो जस्ट एज मच ऑफ द लॉ. यानी कि खुशी की बात है अगर किसी को न्याय की, यानी कि कायदे कानून के बारे में जानकारी है. टू मेक हिमसेल्फ एज अ लिटिल मैरी, वो खुद को एक अगर हमें कायदे कानून की बात उसका अभ्यास है तो हमारे लिए खुशी की बात है. नाउ एंड देन विद द सोलेमनिटी ऑफ द ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स, लेकिन बाद में जाके हमें उसके अंदर जब हम उतर जाते हैं तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा होता है, दैट इज द डिफरेंट वन. नोज वर्सेस आईज इज अ सैटायर ऑन द ज्यूडिशियरी सिस्टम. ओके, ये एक हास्य विनोदी एक पोएम है जो हमारे पोएट है विलियम कॉपर, उन्होंने बहुत ही सुंदरता से लिखी है. इट ऑल्सो मॉक्स एट द स्टोन ब्लाइंड जस्टिस इन अ ह्यूमरस मैनर, एम्फसाइजिंग अपॉन द लैक ऑफ एम्पैथी एंड कॉमन सेंस. कॉमन सेंस जो होता है, यानी कि सोचने की जो क्षमता होती है, और लैक ऑफ एम्पैथी और सहानुभूति की जो कमी नजर आती है, कि एक जब हम न्याय व्यवस्था में जाते हैं, जब न्याय होता है तो एक के बाजू में वो हो जाता है और एक को फिर वो अन्याय लगने लगता है. सो हाउ इज इट, सो चलिए पढ़ते हैं उनकी खुद के पोएम थ्रू. बिटवीन नोज एंड आईज अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज. अरोज यानी उत्पन्न होना, कि नाक और आईज, बिटवीन यानी कि उनके बीच में, अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट यानी स्ट्रेंज यानी अजीब, कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता, नाक और आंखों के बीच में एक बहुत ही अजीब प्रतियोगिता उत्पन्न हुई, शुरू हुई. The spectacle set them unhappily wrongs. Spectacles का मतलब क्या होता है कि चश्मा जो हम पहनते हैं. The spectacle set them unhappily wrong. That is, there was a first disagreement as to whom the spectacles belong. यानी कि चश्मे से एक भूल हो गई थी. देखिए क्या कर देते हैं कि the point in dispute was, dispute का मतलब होते हैं विवाद. ओके, the point in dispute was, as all the world knows, knows यानी पता होना, जैसे कि सारी दुनिया जानती है, to which the said spectacles ought to belong. ought to belong यानी कि ये किससे हम बोलते हैं ना, इस पर किसका हक होना चाहिए, कि चश्मे पर किसका हक होना चाहिए, नाक का हक होना चाहिए फिर आग का होना चाहिए. इस तरह से नाक और आग के बीच में ये एक स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता शुरू हो गई और ये अभी मामला कोर्ट में आ चुका है. चलिए देखते हैं. सो टंग वॉज द लॉयर, यहाँ पर वकील का काम कौन कर रहा है, तो जीव वकील का काम कर रही है. एंड आर्ग्यूड द कॉज, कॉज आर्ग्यू करना यानी कि कुशलता से विवाद करना या फिर बयान देना, कोर्ट में अपनी जो साइट है वो एक्सप्लेन करना, जो वकील का काम होता है जैसे हम सबको पता है. विथ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड अ विग
फुल ऑफ लर्निंग। वीक का मतलब जो सर पर पहनते हैं पगड़ी टाइप, लाइक दैट। पुराने फिल्मों में आपने देखा होगा कि जज लोगों के जो इंग्लिश मूवीज है, हॉलीवुड की मूवीज, अगर आपने वो देखी होगी तो व्हाइट कलर का कुछ तो उनके सिर पर वो पगड़ी टाइप रहता है, ठीक है। लाइक दैट, विथ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड अ वीक फुल ऑफ लर्निंग, कौशल के साथ और अपने पद के साथ, व्हाइल चीफ बैरन ईयर सैट टू बैलेंस द लॉज, जबकि कान ने यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में सुना। यहाँ पर देखिए, चीफ बैरन ईयर यानी के महान न्यायाधीश जो है वो है हमारे कान, उन्होंने न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर सुना। सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिस्कर्निंग, डिस्कर्निंग का मतलब होता है कि प्रसिद्ध होना अपनी प्रतिभा के लिए, यानी कि न्याय के लिए। जो कान है वो अपनी प्रतिभा के लिए, सुनने की ताकत और न्याय करने की क्षमता के लिए अच्छी तरह से प्रसिद्ध है। In behalf of the nose, it will quickly appear. Appear यानी दिखना, कि नाक की ओर से ये जल्दी से दिखाई देगा। कैसे? अभी कोर्ट में जब हम बोलते हैं, like आपने सुना होगा कि कोर्ट में, मूवीज में, सीरियल्स में, like and your lordship and my lord, अभी जो बोलते हैं कि my lord यानी के और महोदय, महान न्यायाधीश, इस तरह से उनको आदर पूर्वक बोला जाता है। And your lordship, he said, अभी यहाँ पर जीभ ने कहा, the tongue said, और महोदय उन्होंने कहा, will undoubtedly find, कि निसंदेह अभी मिल जाएगा, that the nose has had spectacles always in wear, wear यानी पहनना, कि नाक ने हमेशा चश्मा पहन रखा है और उसे अपनी जगह पर रखा है, which amounts to possession time out of mind, यानी कि जो समय के साथ सिर के ऊपर से फिर निकल जाता है। ओके, यानी कि जब आप अगर नाक के ऊपर वो बैलेंस करके बैठा हुआ रहता है चश्मा, इस वजह से चश्मे पर नाक का ज्यादा हक है, क्योंकि नाक ने हमेशा चश्मा पहन रखा होता है और उस पर जगह पर रखा होता है, और जो समय के साथ फिर सिर के ऊपर से बाद में निकल जाता है। लाइक दिस, यहाँ पर एक बहस चल रही है, तो जीभ है जो वकील है वो अपने पॉइंट्स नाक के बाजू से रख रहे हैं। देन होल्डिंग द स्पेक्टाकल्स अप टू द कोर्ट, यानी कि फिर चश्मे को पकड़कर वो अदालत में आ गए। Your lordship, observe यानी देखिए, they are made with a straddle, straddled यानी कि जो चश्मे को पट्टी होती है, दो एक strips होते हैं छोटे छोटे नाक पर, जो उसकी सहायता से बैठ जाता है चश्मा, उसको straddle बोला गया यहाँ पर, यानी कि extend across both sides, दोनों बाजू से वो सहायता का काम करता है। As wide as the reach of the nose is, in short, reach का मतलब क्या होता है कि एक चौड़ी पट्टी होती है, यानी कि नाक की एक चौड़ाई होती है, ठीक है, नाक की एक साइज होती है, उस नाक के ऊपर बिठाने के लिए चश्मे को स्ट्रैडल होते हैं, यानी कि एक चौड़ी पट्टी होती है संक्षेप में, और इसी के आधार से वो नाक पर बैठने के लिए बनाया गया होता है। डिजाइन टू सीट क्लोज इट जस्ट लाइक अ सैडल, सैडल यानी के आधार, ठीक है, यानी के हम बोलते हैं ना सपोर्ट। सो इस सपोर्ट से जो चश्मा होता है वो स्ट्रैडल के सपोर्ट से नाक के ऊपर आराम से बैठ जाता है, एक जो चौड़ी पट्टी होती है संक्षेप में, और एक आधार की तरह इसके करीब बैठने के लिए इसे बनाया गया है। चश्मे को इस तरह से बनाया गया है कि वो नाक के ऊपर अच्छी से बैठ जाए। अगेन वुड योर लॉर्डशिप मूवमेंट सपोज, यानी कि सोचिए, यानी कि अगेन, फिर से महोदय, एक पल के लिए आप सोचिएगा। यहाँ पर देखिए कि एक बात दी गई है, दिस केस दैट हैज हैपन एंड मे बी अगेन, ओके, यहाँ पर दिस के लिए दिस दिया गया है, ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स है, दिस केस That has happened and maybe again, एक मामला जो हुआ है और फिर से ये मामला हो सकता है। That the visage, okay, or countenance had not a nose, that the visage or countenance had not a nose. यहाँ पर देखिए, इस दोनों शब्द का अर्थ क्या दिया गया है, face, कि that the visage or countenance had not a nose, अगर चेहरे पर नाक ही नहीं होती, pray who would or who could wear spectacles then, तो प्रार्थना करे कि फिर कौन और कैसे चश्मा पहन सकता है, अगर चेहरे पर नाक ही नहीं होगी तो चश्मा पहना जा सकता है क्या। इस तरह से चश्मे के बाजू में नाक ने अपनी ये जो तर्क है, जो अपना एक बयान है वो रखा। On the whole, it appears and my argument shows, यानी कि अब तक के तर्क से यही मालूम होता है, With a reasoning, the court will never condemn. Okay, with never condemn. यहाँ पर देखिए कि जो आगे का ये शब्द है, इसका मतलब क्या है कि
आपको पता है कि मेरा स्पष्टीकरण यही दिखाता है और जिसे कोर्ट कंडे में नहीं नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब तक के मेरे इस बहस से, मेरे इस तर्क से, मेरे स्पष्टीकरण से यही मालूम होता है और मेरे स्पष्टीकरण को कोर्ट नजरअंदाज नहीं कर सकता, दैट द स्पेक्टाकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज, कि जिसे अदालत भी अस्वीकार नहीं करेगी। कंडेम करना यानी कि अस्वीकार करना, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते, डिसएग्री इससे नहीं कर सकते। दैट द स्पेक्टेकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज, कि चश्मा स्पष्ट रूप से नाक के लिए बनाया गया था। एंड द नोज वॉज एज प्लेनली इंटेंडेड फॉर देम, और नाक चश्मे के लिए था। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि टंग ने यानी कि वकील ने नाक की तरफ से अपना जो एक तर्क है, ठीक है, अपनी एक जो बाजू है वो अच्छी तरह से उसने एक्सप्लेन किया, स्पष्टीकरण दिया है कि चश्मा स्पष्ट रूप से नाक के लिए बनाया गया था और नाक चश्मे के लिए ही है, चाहे नाक चश्मे के लिए ही था। देन शिफ्टिंग हिज साइड एज अ लॉयर नोज हाउ, अभी देखिए, अभी नाक, जैसे कि उन्होंने अभी जो पक्ष था उनका कौन सा था, नाक की बाजू में उन्होंने केस लड़ा, अभी उनके टाइम था, दिस इज टाइम फॉर द टंग टू कि अपना पक्ष बदलकर उन्हें अभी आंखों के बारे में भी बात करनी थी, आंखों के तरफ से भी उनको केस लड़ना था, क्योंकि वकील यहाँ पर सिर्फ एक ही है। फिर उसी वकील ने अपना पक्ष बदल दिया, ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आईज, और उसने आंखों की तरफ से वकालत शुरू की। प्लीडेड यानी वकालत शुरू करना, आंखों की तरफ से अभी वो बयान दे रहे हैं या फिर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। बट वॉट वर हिज आर्गुमेंट्स फ्यू पीपल नो, लेकिन उनकी दलीलें कम ही लोग जानते थे जो आंखों की तरफ से दी गई है। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, और अदालत को उनकी बातें जो उन्होंने आंखों की तरफ से कही थी, आंखों के पक्ष में जो बातें रखी थी टंग ने, तो उन बातों से अदालत को नहीं लगा कि वे समान रूप से इक्वली वाइज थे, बुद्धिमान थे, या फिर उन्होंने दोनों तरफ का जो अपना पक्ष है वो इक्वली रखा था, यानी कि जो पगड़ा नोज के तरफ भारी पड़ा था वो नाक सॉरी आंख के जब तरफ वो आ गए तो वही पगड़ा कहीं पे तो थोड़ा बहुत नीचे चला गया था। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड विद अ ग्रेव सॉलेमन टोन, तो न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में कहा, डिसिसिव एंड क्लियर विदाउट वन इफ और बट, तो जो फैसला है वह भी निर्णायक है और स्पष्ट है, विदाउट वन इफ और बट, एक के बिना अगर या लेकिन, दैट कि व्हेनेवर द नोज पुट हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, कि अभी जो फैसला बताया गया है कि जब भी नाक चश्मे को लगाएगा, बाय डे लाइट और कैंडल लाइट आई शुड बी शट, वो दिन के उजाले में हो या फिर मोमबत्ती की रोशनी से हो, तब तब आंखें बंद होनी चाहिए, शट यानी बंद होना, कि जब जब नाक चश्मे को पहनेगा तब तब आंखें बंद होनी चाहिए, यानी आंखें बंद होकर खुलेगी, लाइक दिस, ये जो फैसला है वो आखिरी में सुनाया गया। सो इस होल पोएम में आपको एक बात समझ में आई होगी कि जैसे कि नोज की तरफ यानी कि नोज के मामले में जो पक्ष ने वकील ने अपनी बातें रखी तो वो आंखों के बारे में बताने के लिए कहीं पे तो कम पड़ गए। So, इसी को बोलते हैं लैक ऑफ एम्पैथी, यानी कि हमदर्दी की जो कमी है, यानी फिर एक्सप्लेनेशन जो कम पड़ा, इसकी वजह से जो पगड़ा था वो नोट्स का भारी हो गया, और ये जो डिसीजन है वो हमारे न्यायाधीश ने, जो हमारे कान है, ठीक है, जो न्यायाधीश के रूप में वहां पर जज के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने ये फैसला किया कि दिन के उजाले में हो या फिर मोमबत्ती के रोशनी में हो, जब भी नाक चश्मे को लगाएगा पहनेगा तब तक आंखें बंद हो जाएगी। सो आई होप कि आप सबको ये पोयम अच्छी तरह से समझ में आई है। स्टूडेंट्स, मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए हर एक जो पोयम होता है, हर एक जो लेसन होता है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए और आपको बताने के लिए, आसान लैंग्वेज यूज करने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाता है, मुझे 12-12 घंटे उस पर काम करना पड़ता है। सो इसके लिए मैं बहुत मेहनत ले रही हूँ कि आपको समझ में आने के लिए आसानी हो, लॉकडाउन टाइम पीरियड में जो आपका स्टडी सफर हो रहा है वो ना हो, इसके लिए आई एम टेकिंग टू मच एफर्ट्स फॉर यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट्स थ्रू आपके कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको ये पोएम कैसी लगी। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड बाय बाय।